मंदिर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारी मसलें शहीद हो रही हैं, ठीक है, ये भी काम गलत है, और ये मंदिर मुसलमानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाया, ये तो जो इधर हिंदू कम्युनिटी या हिंदू ये जैन कम्युनिटी के लिए विद इन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक हेरिटेज भी है और उनके लिए एक इबादत के लिए एक बहुत अच्छी स्पॉट भी है। और इट आल्सो शोज कि पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट जो हमारी माइनॉरिटी है रिलीजियस माइनॉरिटी। अच्छा किया या बुरा किया आप बताएं ना ताकि लोगों को पता चले। ये बहुत बुरा किया, ये बहुत बुरा किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पीछे आपने देख लिया होगा कि एक मंदिर मौजूद है और मैं मुझे बहुत कहा जाता था और इस बात में किसी हद तक सदाकत भी है, सच्चाई भी है कि पाकिस्तान में उस तरीके से मंदिरों का ख्याल नहीं रखा जाता जैसे रखना चाहिए। उसकी कुछ वजूहत हैं और वजूहत ये हैं कि कुछ इतने हिंदू यहाँ पर मौजूद नहीं हैं कि जिसकी वजह से वो ख्याल रखें, और कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की, हमारी हुकूमत की भी लापरवाही है। लेकिन जहाँ पे कुछ बहुत कुछ गलत होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा मंदिर दिखाने जा रहा हूँ कि जो प्रॉपर तौर पे अभी रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, पहले डैमेज हो चुका था, सारा गिर चुका था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उसे रिकंस्ट्रक्ट किया है और प्रॉपर उसे रेनोवेट कर रही है। बहुत खूबसूरत किस्म का ये मंदिर तैयार हो रहा है और शहर के बहुत शहर लाहौर में ये मौजूद है और बहुत ही मेन पॉइंट पे और बहुत अच्छी लोकेशन पे ये मंदिर मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ आपको इसका विज़िट करवाऊँ और यहाँ के लोगों से बात भी करूँगा कि आखिर ये मंदिर कैसे बना, कैसे गिरा था, फिर कैसे बना, और दूसरे मंदिरों का भी ऐसे ख्याल रखना चाहिए या नहीं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मनहल मुमताज। क्या करती हैं आप? आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। जबरदस्त। अच्छा, मैं ना ये रिव्यू ले रहा था, ये मंदिर यहाँ पे बना है और बहुत खूबसूरत किस्म की इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ से गुजरती हैं आप या आपने ये पहले देखा है, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगी? सो फार मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन होते हुए डेली देखती रही हूँ, अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो आई थिंक ये जैन कम्युनिटी के लिए विद इन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक हेरिटेज भी है और उनके लिए एक इबादत के लिए एक बहुत अच्छी स्पॉट भी है। और इट आल्सो शोज कि पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट जो हमारी माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। इट्स नॉट लाइक अ कंट्री जहाँ पे सिर्फ एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है मेजॉरिटी की। पहले काफ़ी हद तक हमें सुनने को भी मिलता था और देखने को भी मिलता था, मीडिया पर भी ये कहा जाता था इंटरनेशनली कि शायद पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है माइनॉरिटीज़ को लेकर, लेकिन आपको लगता है कि अब अवेयरनेस आ रही है ना सिर्फ लोगों में बल्कि हमारी हुकूमत को भी इस चीज़ का ख्याल हो रहा है कि हम माइनॉरिटीज़ का ख्याल करें और उन्हें उनका तहफ़ प्रोवाइड करें? देखिए, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हमेशा जो है वो आप एक कल्चर के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सोसाइटीज़ का एक अमलगम होता है। कुछ टाइम ऐसा आ जाता है जिसमें आप माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, बट उसके बाद जब एजुकेशन और नॉलेज रिवाइव करता है तो वो चीज़ें दोबारा से वापस आ जाती हैं। एंड दैट्स मतलब लिविंग प्रूफ है, एक हमारे पीछे बिल्कुल खड़ा हुआ है कि इट्स मेजरली बिल्ट फॉर जैन कम्युनिटी, और पाकिस्तान में जैन कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए अगर ये बनाया गया, इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल, यू कैन गो इनसाइड, यू कैन सी इट, सो आई थिंक दैट्स अप्रिशिएटेबल। थैंक यू। ये मंदिर की बैक साइड है और साथ ही रोड है, यानी ये मंदिर ऐसी जगह पे मौजूद है कि इसके चारों तरफ रोड है, इधर भी, बैक पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, चारों तरफ रोड मौजूद है। और ये बिल्कुल सामने अगर आप देख सकें तो ये वो सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का हेले कॉलेज है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है जी। मोहम्मद तारिक। अंकल जी, ये जो मंदिर बना है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? काफी आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहाँ के रहने वाले, आपको पता होगा ये कब गिरा, कब ये टूटा, फिर कब बना? हमें पता है कि ये जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उसके रद्द अमल के ऊपर इसको
गिराया गया जी, गिराया गया और इन्होंने उसको महफूज कर लिया। इनको पता था कि कल वक्त आएगा हम इसको रिपेयर करके दुनिया को दिखाएंगे कि हम मंदिर बनाने वाली कौम है, हम मुसलमान नहीं है। नहीं, बाबरी मस्जिद की उन्होंने एक एक ईंट वहां से गुम कर दी। आपको बताऊं, बाबरी मस्जिद की जो उन्होंने शहीद की थी वो बहुत बुरी बात थी, लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया में बहुत सी मस्जिदें अब बन चुकी हैं। नहीं, आपने मंदिर बना लिया, आपको भी फ्रूट है जिन्होंने, उसने भी बनाया है ना, वो अल्लाह को इसका जवाब देगा। कल को मर के उसने रब के पास जाना है। इंडिया में और मस्जिद बनी है, उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खा के बनाई है, इन्होंने जाके उधर नहीं को मस्जिद बनाई, इन्होंने बनाई है। वो इंडिया के लोगों ने बनानी थी, ये मंदिर कोई यहाँ के इंडिया वालों ने बनाया, पाकिस्तान वालों ने बनाया? पाकिस्तान वालों ने बनाना ही था, उनका उन्होंने बनाया। अच्छा किया या बुरा किया आप बताए ना, ताकि लोगों को पता चले। ये बहुत बुरा किया, ये बहुत बुरा किया। चले ठीक है, अब मैं आपको एग्जैक्ट इसका एरिया दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ कि ये जो जिस लोकेशन पर मौजूद है वो क्या लोकेशन है। बिल्कुल ये साथ रोड है, और रोड से अगर कैमरामैन साहब आप वो दिखा सकें कि वो अनारकली स्टेशन है, अनारकली के बारे में भी आप लोग जानते होंगे काफ़ी हद तक, तो ये उसके नाम से, अनारकली के नाम से स्टेशन बनाया गया है। और इसके बाद आइए आपको मंदिर का जो मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस है वो दिखाता हूँ, और कोशिश करूँगा क्योंकि अंदर रेनोवेशन चल रही है, काम चल रहा है, तो आई थिंक अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अंदर भी दिखाऊँ। ये मंदिर का मेन गेट है, और आप देख सकते हैं कि अंदर से, मतलब अंदर भी प्रॉपर लॉन बना हुआ है, और बहुत खूबसूरत किस्म का एक बहुत पुराना सा दरख्त भी मौजूद है यहाँ पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मंदिर की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कैमरे लगे हैं, मतलब जहाँ जिस हद तक इंतज़ामिया को बेहतर लगा या उनकी कोशिश थी, उन्होंने सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया, अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है। और ये दरख्त से बड़ा ना, मुझे थोड़ा सा वो, ये दरख्त को देख के मुझे हो रहा है कि यार ये कितना पुराना दरख्त है, इसे हम बोर्ड का दरख्त कहते हैं, बोर्ड का दरख्त। आप लोग क्या कहते हैं इस दरख्त को, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, और आइए किसी से बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अंकल जी आपका नाम? अली कमाल शाह। अली कमाल शाह, आप यहाँ पे ही होते हैं, इधर ही काम वगैरह करते हैं? हाँ जी। तो ये जो पीछे मंदिर बना है, इसकी तमीर हुई है, कितनी देर से तमीर हो रही है, और गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया होगा? पैसे का तो सही इलम नहीं है हमें, कितनी देर से तमीर हो रही है? तकरीबन इसको 4-5 माह हो गए। 4-5 माह हो गए, तो आप क्या समझते हैं, ये अच्छी बात है मंदिर बन रहा है, हम जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, जाहिर बात है उनके लिए काम कर रहे हैं? देखें जी, हमारी मस्जिदें होनी चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारी मस्जिदें शहीद हो रही है, ठीक है, ये भी काम गलत है, और ये मंदिर मुसलमानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाया, ये तो जो इधर हिंदू कम्युनिटी या हिंदू लोग थोड़े से जो रहते हैं उनके लिए बनाया, जैसे इंडिया में मुसलमान रहते हैं उनके लिए वहाँ पे मस्जिदें हैं। मजहबी जाती हर एक को होनी चाहिए, जिस तरह हम इनके मंदिर बना रहे हैं, इनको चाहिए कि इंडिया को हमारे मस्जिदें उधर बनाए, जिस तरह हमारे क्रिश्चियन है और जो हिंदू है, इसी तरह मुसलमान और भी बहुत सी कौमें उधर है, उनको मस्जिद आजादी होनी चाहिए। किसी भी मुल्क में कोई भी बंदा है, किसी भी मजहब से कल्लू रखता है, उसे आजादी होनी चाहिए, बिल्कुल आजादी पूरी होनी चाहिए, हर अपने मजहब के अकीदे के मुताबिक वो अपने इबादत करे और सुकून माहौल में रहे, माहौल में रहे। तो इस लिहाज से फिर गवर्नमेंट ने अच्छा किया, अगर हमने यहाँ, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, बेशक मोदी को शर्म आए ना आए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ना मेहरबान है और इंसाफ पसंद है हम लोग, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी कितनी खूबसूरत किस्म की यहाँ पे, और ये मैंने जब इनसे पूछा जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन्होंने बोला ये हैंडमेड है, और ये प्रॉपर जो ये जिस रिलीजियस का ये मंदिर है, जेंट्स का ये आई थिंक मंदिर है, तो उनके रिलीजियस के मुताबिक ही इसे पेंट किया गया है, मतलब इसे डिज़ाइन किया गया है। और अब जो जो लोग इस चीज़ को जानते हैं या इस रिलीजियस को जानते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, इस डिज़ाइन का क्या मतलब है। आइए आपको इसका मेन जो सा एरिया है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जो मेन चीज़ जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँ, वो ये है कि आप देखें
कि इतनी मेन जगह पर प्रॉपर इतना बड़ा एक हॉल बनाया गया है इस मंदिर के लिए। मैं समझता हूँ कि शायद जितना बड़ा ये हॉल है, इस हॉल में जितने भी पाकिस्तान के जैन हैं वो अगर सारे भी आ जाएं तो फिर भी ये हॉल छोटा नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे वो आगे तक तकरीबन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वैसे तो भी जारी है, अभी काम हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि कैसे प्रॉपर टफ टाइल्स लगा के हॉल बनाया गया है। ये दरख्त वगैरह लगाए जा रहे हैं और बहुत खूबसूरत किस्म का ये व्यू है। क्योंकि मुझे व्लॉगिंग इतनी अच्छी नहीं आती तो इसलिए मैं आपको उस तरीके से उस सिनेमैटिक वे में नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा तैयार किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकबाल। सर ये मंदिर आप यहाँ से काफी देर से गुजरते हैं या आपका गुजर होता रहता है यहाँ से? जी जी हाँ। तो ये कब से मंदिर बन रहा है, कब से इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है? ये तो काफी देर से हो रही है। ये देखें कि हम लोग क्या करते हैं उनके साथ और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। देखें हालांकि यहाँ वो मस्जिद गिरा रहे हैं लेकिन हम उनके मंदिर बना रहे हैं। एक मंदिर बनाया है, इसके अलावा और कोई मंदिर आपको पता है? आप बता सकते हैं कि इसके अलावा और भी कोई मंदिर बना है? ये जो इस्लामाबाद में उसकी परमिशन दी है उन्होंने और रुक गया है मंदिर, अभी बांध नहीं रहा है। लेकिन ये अगर इसकी बात करें उस साइड बन जाते अच्छी बात है। देखिए हमने एक पॉजिटिव, ये बिल्कुल अच्छी बात है। किसी मजहब के लिए खिलाफ बात करनी अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, और मजहब सबका एक ही होता है। सबसे बड़ा मजहब, जी हाँ बिल्कुल। तो लिहाजा ये है कि सबको सोचना चाहिए कि इंसान को चाहे हिंदू है चाहे सिख है चाहे वो सब एक ही है। सब एक ही है। हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही कोई हमारे मजहब की रिस्पेक्ट करेगा। देखिए हर एक, जैसे मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने मजहब पे बहुत पक्का हूँ, आप भी बहुत पक्के हैं, वैसे ही जो दूसरे मजहब वाले वो अपने मजहब पे पक्के हैं, तो अगर हम उनकी मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे मजहब की क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल राइट, आपने बहुत अच्छी बात की है और करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए इंसान को, हर इंसान को। बहुत शुक्रिया अंकल जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी है? मुझे तो ये वीडियो कवर करने में बहुत मजा आया। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से एक अच्छा स्टेप है, जहां हम हर रोज तकरीबन पाकिस्तान की बुराई करते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारा ही ये फर्ज है कि हमारी ही ड्यूटी है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे भी सामने लाएं, और देखने वालों की भी ये ड्यूटी है या उनको भी चाहिए कि जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करें, चाहे काम अच्छा हो रहा है या बुरा ज्यादा अच्छा हो रहा है, अच्छा अच्छा ही होता है। तो आप काम अप्रिशिएट कर दें अगर आपको लगता है कि बहुत काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अप्रिशिएट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।